नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट इज तुहाडा स्वागत है। असीं तुहानूं रूबरू करवा रहे हैं डॉक्टर नवनीत नाल, जिहड़े साडे नाल जुड़े है पंजाब तों। ओह तुहानूं फैक्ट रखणगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सौदा डेरा सच्चा सौदा दा। गल करदे हां, तुहानूं सिद्धी रूबरू उहनां नाल करवावांगे। नमस्कार मैम, तुहाडा द फैक्ट इज चैनल स्वागत है। मैम, तुसीं डेरा सच्चा सौदा नूं कदों तों जाणदे हो? मैं डेरा सच्चा सौदा नाल पिछले 20 सालां तों जुड़ी हुई हां। बहुत छोटी सी उदों तों नाम शब्द लिया होया, तो बहुत कुछ मैं उन्होंने तो गेन किया है। मेडिटेशन करके पढ़ाई की थी है मैं, तो जो चीज़ शायद मैं कभी सोच नहीं सकती सी कि मैं कभी डॉक्टर बन पाऊँगी, जो फाइनेंशियल स्टेटस रहा साडा कि कभी सोचा नहीं सी, बट पिता जी की रहमत नाल मेडिटेशन की सेवा की, तो अज मैं इस मुकाम पर आ गई कि मैं एक डॉक्टर बन गई हाँ जी। गुरु जी ने और किस तरह के काम समाज के लिए देश के लिए किए? पिता जी ने साढ़े 134 समाज कार्य स्टार्ट किए हुए हैं, जिदे सफाई अभियान चल रहा है। ठीक है, विश्वामा ने उन्होंने मतलब उन्होंने मैडिकल ट्रीटमेंट दे के उन्होंने मैरिज करवाई गई है। कुड़ियों अडोप्ट किया जाता, जेडे लोग मतलब गर्व हो करके कि कुड़ी है सुट देंगे ने, उन्होंने अडोप्ट करके अपना बच्चा बनाया गया, अपने बच्चे वागू रख के पढ़ाइया अपने मतलब वो फादर का नाम पिता जी का नाम जाता है, तो मैरिज करवाई गई है सारे की। तो जिमें ऑर्गन डोनेट्स ने अपने बॉडी के, ठीक है, बॉडी डोनेट मतलब रिसर्च सेंटर लिए चलाई जाती है। एसिड विक्टम्स लिए स्किन जो बैंको स्टार्ट किया गया उन्होंने अपने हॉस्पिटल च, ये वो मतलब उन्होंने कार्य किए हुए हैं जी। जिमें हम लास्ट 3 ईयर देखा जाए गुरु जी के सत्संग नहीं मिल रहे लोगों को, तो हूँ की इफेक्ट आ रहा सोसायटी के उपर? देखो जेड़े तो प्रेमी ने गए सत्संगी ने गए, उदा यूट्यूब तो या होर लिंक्स ने गए जो सच चैनल देने के, तो उन्होंने तो सुनते रहते हैं गे, बट हाँ पब्लिक नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो उसका इफेक्ट हो रहा है कि जो नशे ने वह बढ़ रहे हैं गे पंजाब में, तो बहुत बढ़ रहे हैं 3 सालों तो। एज अ डॉक्टर कि मैं ओपीडीज करती हाँ, तो बहुत पेशेंट यह जानते हैं, यूथ आती है मतलब 20 साल तो लैके 20 साल भी नहीं कह सकती मैं, 15 साल के बच्चे सिगरेट लै रहे हैं गे, अल्कोहल लै रहे हैं गे। मतलब एक टाइम होंदा सी 3 साल पहला अगर कहिंदे सी आपां जिहड़े बड़ी उम्र दे सीगे पुराने हो सीगे ओह नशा करदे सी, लेकिन अजकल स्कूल दे बच्चे आ जिहड़े नशा कर रहे ने। स्कूलां च जाईदा सी उत्थे पता करदे आ तां बच्चे तंबाकू खा रहे ने गे, स्मोकिंग करदे ने गे। इह इफेक्ट पै रहा है कि अगर शायद पिता जी इत्थे हुंदे साडे विच तां यूथ नूं प्रमोट करन लई मतलब उहनां नूं नशा छड़वाउण लई मूवीज़ सीगियां सोंग्स करदे सी, उह चीज़ां हुण बंद हो गईआं जिहदे करके उहनां नूं इह चीज़ नहीं मिल रही, तां उह नशे वल वध रहे ने गे जी। हुण जिवें तुसीं की महसूस करते हो कि समाज में अज गुरु जी की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, हम बहुत चीज़ा नशे हो गए, होर भी बहुत चीज़ा लड़कियों की सेफ्टी जिम्मे सी उत्थे असी जाते सके तो इन्ना सेफ सिक्योर फील करते सके, तो वह चीज़ असी हम बाहर नहीं कर पाते क्योंकि जा ही नहीं पाते। लोग वो कर देंगे कि अच्छा तुम सत्संगी हो डेरा प्रेमी हो क्यों जा रहे हो तुम, तो असी यही हाथ जोड़ के उन्होंने वो करते हों कि भाई देखो साडा बिलीव है असी सानू पता कि साडे गुरु जी किवें ने गए क्योंकि असी उत्थे रहे हाँ, सानू पता है। लोगों को जो दिखाया जाता उही इमेज बनाई जाऊगी, वो ऑब्वियसली है जो चीज़ उन्होंने दिखाई जाती है उन्होंने उही चीज़ मननी है, बट सानू पता असी उत्थे रहे हाँ कि किवें दा माहौल रहा, जो जो चीज़ां सोशल मीडिया दिखाई गई उन्होंने कुछ भी है जा नहीं सीगा जी। फिर एक्चुअली गुरु जी का नेचर किवें दा? गुरु जी का नेचर बहुत वधिया है, एक बाप की तरह जिवें अपने बाप खुद सानू बच्चों वांगू प्यार करते हैं उवें वो प्यार करते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा। लोग कहते हैं पिता जी क्यों कहने हो, पिता जी से कहना बनता है क्योंकि वो बच्चों वांगू रखते हैं, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, बुजुर्ग ने वो भी बच्चे ने गए उन्होंने मातावान वांगू रखते हैं, बराबर दियां नूं भैणां वांगू रखते हैं, छोटी कुड़ियां ने तो बच्चों वांगू रखते हैं, तो होर नहीं असीं की कहांगे होर की कहांगे, इस करके पिता जी कहने। फिर गुरु जी ते जिहड़े आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हां बारे की कहो? देखो आरोप तो मैं थोड़ा ये दस रही हूँ कि जिम्मे हूँ नशे ने वध रहे हैं जब कोई भी चीज़ उन्होंने इन्नी समाज सेवा स्टार्ट कीतियां ने गियां, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि साढ़े धंधे बंद होन, तो वह धंधिया वह करने वास्ते कि साढ़े बनते रहन, तो उन्होंने उन्होंने आरोप लगाए गए ताकि एक प्रॉपर वो की गई कि अगर असं इन्हें ब्लेम लगावे तो लोगों के मन च यह आऊगा कि नहीं ये तो बंदा वधिया ही नहीं है, तो असं इन्हों फॉलो नहीं करना, जिद करके वो नशे हैं वो होर प्रमोट हो रहे हैं तो वध रहे हैं। तो थोड़ा मैं पहले ही दसिया कि अजक छोटे छोटे बच्चे नशे इस करके लै रहे हैं क्योंकि गुरु जी का वो कर रहे हैं ब्लेम ला रहे हैं गे जी। डॉक्टर नवनीत जी तुम पब्लिक को की दसोगे क्योंकि पब्लिक ने काफ़ी कुछ देखे जो लगातार हेडलाइनस दिखाई गई सेंट डॉक्टर गुरमीत राम अमरीम सिंह जी इंसा बारे जडेरा सच्चा सौदा बारे, तुम अपनी वीडियो द्वारा की अपील करोगे उन्होंने? मैं तो यही कहनी है कि अगर थोड़ा लग रहा है कि कुछ भी गलत है, देखो जो सानू लगता मैं एक डॉक्टर है, मैं कोई उस नहीं जा रही कि मैं अंधविश्वासी हाँ कि जी बस लग गई तो पिछले लग गई, नहीं मैं एक डॉक्टर मैं एक लॉजिक के नाल हर चीज़ करती हाँ, मैंने कुछ दिखे उन्होंने तो मैं उन्होंने फॉलो कर रही हूँ, अज भी फॉलो कर रही हूँ चाहे कुछ भी उन्होंने ब्लेम्स लगे हैं उत्थे हूँ भी जानी हाँ मैं। ठीक है, मैं तो यही अपील करूँगी सारी दुनिया को, यही कहना चाहनी हाँ कि तुम एक बार उत्थे जाके देखो, ठीक है, उत्थे जाओ
ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਝੁਟਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਪੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਣ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਔਰ ਸੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਂਕੜੇ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਫੈਕਟ ਆਈ, ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।